समझाने का तरीका होना चाहिए फैकल्टी का। ये जो है वेट्स के प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे होते हैं। वेव हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच पीरियड इज 4 सेकंड व्हाइल अनदर वेव पॉसेस सिंपल हार्मोनिक में हायर पीरियड 3 सेकंड। अब देखो वेव है जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकंड है T1 और T2 जो है वो 3 सेकंड है। क्लियर है? वेव्स हैव सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड ना पॉसेस हैव हार्मोनिक मोशन है टाइम पीरियड, ये बोथ कंबाइंड, दोनों वेव को हमने कंबाइंड कर दिया तो रिजल्टेंट वेव है द पीरियड। तो देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, समझना, दो वेव को कंबाइन करना सुपर पोजिशन है। सुपर पोजिशन के अलग अलग एप्लीकेशन हम पढ़ के आए थे, बिट्स था, स्टैंडिंग वेव था, इंटरफेरेंस था। तो अगर मैं इन दोनों वेव्स को मिलाता हूँ तो हमें रिजल्टेंट टाइम पीरियड कितना होगा? अब आपको पता होगा कि एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 माइनस F2 को अगर मिलाते हो तो ये जो होती है दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/ टाइम पीरियड T1 माइनस 1/ टाइम पीरियड T2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 माइनस 1/3 तो ये आ जाएगा 1/12। मतलब इन दोनों के बीच जब सुपर पोजिशन हुआ तो हमें जो बीट्स मिला, बीट्स फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में 1/12 बीट्स हमें सुनाई दे रहा है। बीट्स का मतलब एक बार हाई सुनाई दिया, फिर कितने टाइम बाद हाई सुनाई देगा, तो ये जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। बिटवीन द टू हाई एंड टू लो कंजुगेटिव जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बीट पीरियड बोलते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी इतना है तो बीट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो बीट टाइम पीरियड, तो अब जो नई वेव बनी है उसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेकेंड। ये एक नई वेव बन गई यार, ये दोनों अलग अलग थे जिनका टाइम पीरियड इतना था, T2 इतना था, तो जो नई वेव बनी वो उसमें कंटिन्यूअस हाई एंड लो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है जिसकी बीट फ्रीक्वेंसी 1/12 है और बीट टाइम पीरियड जो है वो 12 सेकंड है। दैट इज सी ऑप्शन सही है।